बाबा पूछ रहे थे कि इस बार बर्थडे का गिफ्ट क्या चाहिए। भाई उन्हें तो तुम्हारी बर्थडे का साल भर इंतजार रहता है। कह रहे थे इस बार भी अपने बेडरूम का फर्नीचर ना चेंज करवा लेना। मैंने कहा ये भी मैंने बहुत शौक से बनवाया था, अब कमरा बड़ा होता तो मजीद फर्नीचर बनवा लेती। अरे तो कोई बात नहीं, तुम अपने DHA वाले प्लॉट की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा रही हो उसके लिए बुक करवा लेना, वहां भी तो फर्नीचर की जरूरत होगी ना। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे ख्याल है मैंने कोई ऐसी मुश्किल बात तो नहीं की है। समरा मुझे लगता है तुमने कोई ख्वाब देखा है। वो जुनैरा का जो प्लॉट है उसके पापा ने इसकी 5th बर्थडे पे खरीदा था, तो कंस्ट्रक्शन की बात कहाँ से आ गई? मैंने आप दोनों को मैंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत नहीं की कि उसे ससुराल से अलग होने की बातें सिखाऊं। मुझे तो लग रहा है समरा भाभी ये आपके दिल की ख्वाहिश है, अब मेरा नाम लेके आप अपने दिल की बात कर रही हैं। कहीं आपका और राहिल भाई का प्लान तो नहीं है अलग घर लेने का? असल में अम्मी मेरे ख्याल से यही बात है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि राहिल भाई आप अलग किससे होंगे, अम्मी से? अम्मी तो इतनी अच्छी नेचर की हैं और मतलब उन्हें मुझसे ज्यादा अब समरा भाभी की फिक्र रहती है। नहीं जोर, ऐसी कोई बात नहीं। भाई पहले आप अपनी बीवी से तो पूछ लें, फिर इनकार भी कर दीजिएगा। वैसे लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना अलग घर हो, इसलिए हो सकता है समरा ने बस मजाक में ये बात की हो। क्यों समरा? जी भाई, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। आप तो फेवर करेंगे, जाहिरी सी बात है किसी और के दिल की भी तो यही ख्वाहिश है। अच्छा भाई केक किस वक्त कट रहा है ये तो बताओ। और जुनैद, तुमने जुनैद को फोन कर दिया था? कॉल तो करती है लेकिन अभी तक आया नहीं है। मैं तो समझी थी जुनैरा की शादी के बाद पहली बर्थडे है तो जुनैद कोई बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करेगा, लेकिन यहाँ तो मैं करती हूँ कॉल, बस ऑफिस में कभी देर हो ही जाती है। मैं क्या